Hello and Jai Hind everyone. Welcome back to the next episode. And today we are taking a very important topic from your SSB period, and that the topic is of WAT. And most of you, even every one of you, is familiar of the term WAT, I hope. It means word association test. अब एक चीज दिमाग में होती है, स्पेशली टू दोज पर्सन्स हू आर अपीयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. ठीक है, उन बच्चों को काफ़ी ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है, डब्ल्यू ए टी है क्या, अब इस टेस्ट में हमने करना क्या होगा. सो इट इज़ क्वाइट सिंपल, यू विल बी अलॉटेड बाई द 60 वर्ड्स देयर. आपके पास 60 वर्ड्स होंगे जिसमें आपको 15 सेकेंड का टाइम एक वर्ड के स्टेटमेंट को फ्रेम करने में मिलता है. दैट मीन्स दैट इज काइंड ऑफ अ मेक सेंटेंस. ओके, यू नीड टू फ्रेम अ स्टेटमेंट ऑफ इट. सो एक स्लाइड में आपके पास एक वर्ड है, 15 सेकेंड का टाइम आपको अलॉट है. 15 सेकेंड से ज़्यादा टाइम आपको नहीं मिलता है. 15 सेकेंड में आपने अपने वर्ड्स को कंप्लीट करना है. एंड इट कैन बी एनीथिंग, लाइक यू कैन गेट पावर. ओके, इफ पावर इज योर वर्ड, आपने उसमें स्टेटमेंट फ्रेम करना होता है. देन आफ्टर दैट 15 सेकेंड आपके पास नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा. फॉर एन एग्जाम्पल, वी कैन टेक एबिलिटी. तो इस तरीके से वर्ड चेंज होते चले जाएंगे एंड 60 वर्ड्स विल बी देयर. बात करते हैं व्हाट यू नीड टू डू, बिकॉज हमें सब बता देते हैं कि हमने क्या करना है, कैसे करना है, बट एग्जैक्ट वे में हमें करना क्या होगा, हाउ वी कैन मेक इट डिफरेंट, दैट इज समथिंग यू रियली वांट टू डू एंड यू शुड डू. तो जस्ट डू रिमेंबर वन थिंग, यू नीड टू बी पॉजिटिव. एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है पॉजिटिव रहना. यू कांट गो नेगेटिव. द सेंटेंस यू आर फ्रेमिंग, इट शुड बी इन अ पॉजिटिव ऑर्डर. इफ यू कैन इनहेंस एनीथिंग, देन इट इज मच गुड. ओके, just go with a maximum strength, maximum word limit. Okay, I'm not asking you to write a paragraph, but a statement. It should not be like yes, just a three word statement. You can do so, but I'm just telling you what makes you different, how efficiently you can work on it, it is up to you. So try to go in an order that is much crucial for you and what makes you different from any other person sitting over there, because everyone is good, right? तो हमारे पास यही होता है कि हमें पॉजिटिव रहना है एंड वर्ड अकम्युलेशन शुड बी प्रॉपर. आप अच्छे वर्ड्स को, अच्छे टर्म्स को और किसी भी करंट चीज़ को रिलेट कर सकते हो, राइट? जैसे अगर हम अभी रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो इंडिया किसके साथ सबसे अच्छा रिलेशनशिप शेयर कर रहा है, किस कंट्री के साथ, पैनमिक के टाइम पे आपने फूड को किस तरीके से राशन किया, एनीथिंग कैन बी देयर. ओके, सो ये आपका पूरा का पूरा जो है स्ट्रैटेजी रहना चाहिए व्हेन यू आर अपीयरिंग फॉर द डब्ल्यूएटी देयर. सो एंड सो आपके पास बहुत वर्ड हो सकते हैं. हो सकता है आर्मी वहाँ पे एक वर्ड हो, आपके पास बिहोल्ड हो, एनीथिंग कैन बी देयर, बट यू नीड टू गो इन अ पॉजिटिव वे एंड दैट इज ऑल अबाउट डब्ल्यूएटी. आई होप वी हैव एक्सप्लेन यू इन अ गुड मैनर एंड यू गॉट टू नो अबाउट इट. थैंक यू सो मच.